नमस्कार साथियों, मैं आपको जो ये अपने नरमे की फसल है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये अपने यहाँ पे अपने ये 2 एकड़ नरमे की फसल लगाई हुई है, इसमें कोई भी केमिकल वाला स्प्रे नहीं है। इस और आप ये जो फसल देख सकते हैं, ये कहीं कोई भी सफ़ेद मच्छर, हरा तेला या कहीं भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इस मैं आपको इसकी हाइट दिखा दूं, जैसे कि ये मेरे से भी कुछ बड़ी है, तो आप मान के चलिए कि ये 6 फुट से ऊपर ही है, मेरे से काफ़ी बड़ी है। आगे और भी बड़े बड़े हैं, मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। तो जैसे कि ये देखिए, तो मेरा दिखाने का मकसद यही है कि आप जो ये इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करते हो वो कम से कम करो, मिनिमाइज़ करो उनका। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये एकदम से बंद करो, लेकिन उनका थोड़ा कम यूज़ करो और जो अपना ऑर्गेनिक सिस्टम है उस पे आओ मेरे साथियों। क्योंकि जो ये ऑर्गेनिक है इसका रिज़ल्ट आपको इतना बढ़िया मिलेगा और बिल्कुल ज़ीरो बजट पे। जो भी ये केमिकल बाज़ार से हम लाते हैं, 3-3, 4-4 प्रकार के शॉपकीपर हमें दे देता है, ये भी कर दो ये भी कर दो, तो उससे हमारी फसल में तो नुकसान होता ही है। हमारे आने वाली जो आगे की फसल हम लगाएंगे तो मिट्टी इतनी बेकार हो जाती है कि आने वाली फसल पे भी नुकसान होगा। तो जैसे मैं अपने इस नरमे की फसल के बारे में बता दूं इसमें क्या क्या किया है। इसमें कोई भी DAP का यूज़ नहीं है, कोई यूरिया नहीं है, कोई सुपर नहीं है, बोते टाइम कोई भी कन्फिडोर या किसी भी प्रकार का असिटा एक्टारा कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है मेरे साथियों। इसमें सिर्फ और सिर्फ अब की बार मैंने YouTube से इंस्पिरेशन लेके, 2-3 चैनल है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, तो मैंने स्टार्ट किया था। इसमें पहली बार जो अपना पाथियों का पानी यानी उपलों का जो पानी है वो तैयार की करके 3 बार उसका स्प्रे, 1 बार नीम का तेल का स्प्रे और 1 बार खट्टी लस्सी का स्प्रे ये किया है। तो आप देख ही सकते हैं फसल कैसी खड़ी है। जिन्होंने केमिकल वाले स्प्रे कर रखे हैं उनसे तो कई गुना बढ़िया अपनी ये फसल खड़ी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये जो महंगे महंगे आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो उनको मेरे साथियों कम करो, और जो अपनी लागत है फसल की उसको कम करो जिससे प्रॉफिट ज़्यादा हो उसके। तो मेरा यही मकसद था ये आपको बताने का कि आप आओ और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ थोड़ा अपने कदम बढ़ाओ, क्योंकि इसके जो रिज़ल्ट आपको मिलेंगे वो काफ़ी बढ़िया होंगे और आपको पता लगेगा कि हाँ वाकई में दम है। तो साथियों मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि इसमें कुछ नहीं लगता, हमारे पास पानी भी है, उपले भी हैं, नीम का तेल भी है। नीम का तेल अगर घर बना सकते हो तो बढ़िया, अगर नहीं बना सकते तो मार्केट में भी मिलता है प्योर नीम का तेल, लस्सी भी है। और नीम का तेल इतना कारगर साबित होता है दोस्तों ये सफ़ेद मच्छर में, जो ये केमिकल वाले स्प्रे हम करते हैं इनका कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिलता। सफ़ेद मच्छर आपने देखा होगा 2-3 साल पहले पूरी की पूरी फसल ख़राब करती थी सफ़ेद मच्छर ने। तो अगर आप वो करोगे तो इतना बढ़िया रिज़ल्ट है, अब तो जो साइंटिस्ट है वो भी नीम का तेल की एडवाइस करेंगे। आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सिफारिशें देख लो तो वो भी यही बोलेंगे नीम का तेल का प्रयोग करो। और ये फल आप देख लो कितना बढ़िया फल उठा रखा है, अभी स्टार्टिंग है, ये देखिए साथियों। तो आपको जो बनाने की विधि है उपलों के पानी से स्प्रे,
खट्टी लस्सी का स्प्रे, नीम का तेल कैसे बनाएं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। दो तीन चैनल है, नेचुरल फार्मिंग केवीएम, नेचुरल फार्मिंग केवीएम, फार्मिंग लीडर, क्रॉप इन्फॉर्मेशन, तो आप उनसे देख के थोड़ा बहुत स्टार्टिंग करो तो आपके अच्छे, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसी बात नहीं, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, बहुत बढ़िया फीडबैक है। तो यही बात बतानी थी साथियों। नमस्कार, जय हिंद।